थाना प्रभारी गड़ा राकेश तिवारी ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बिरला धर्मशाला के पास बजरंग नगर में एक व्यक्ति नशे का सामान लिए संदिग्ध हालत में खड़ा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, जहां से मुखबिर के बताए हुए हुले का व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा एवं नाम पता पूछा। जिसने अपना नाम राहुल जैन, उम्र 33 वर्ष, निवासी बजरंग नगर मेडिकल कॉलेज के सामने गड़ा बताया, जो अपने पास एक सफेद रंग की पन्नी में फैने रामाइन, मेलेट इंजेक्शन, आई एविल 10 और ML वाले 15 नग, जहां पर और अधिक इंजेक्शन 15 नग रखे मिला, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उक्त नशीले इंजेक्शन बेचने एवं स्वयं के इस्तेमाल करना बताया गया। वहीं पर दवा नशीली एवं प्रतिबंधित होने से मानव शरीर के लिए हानिकारक थी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जहां पर उक्त नशीले इंजेक्शन जब्त करते हुए धारा 328 भादवी एवं 5/13 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर उक्त इंजेक्शन कहां से प्राप्त किए के संबंध में पूछताछ जारी है। सर, कुछ इंजेक्शन की कार्रवाई हुई है, क्या है? लगभग आज 10-11 बजे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति राहुल जैन जो है बजरंग नगर के अपने मेडिकल के पीछे बिरला धर्मशाला के पास बजरंग नगर में अपने पास कुछ नशीले इंजेक्शन जो दवाई लेजेसिक और अरमाविल करके जो जनरली ये इंजेक्शन जो हैं नशेड़ी लोग नशे के उपयोग में लाते हैं, क्या वो खरीद बिक्री करने के उससे खड़ा हुआ है। मौके पे प्रधान आरक्षक अशोक अश्विनी और जो उनकी टीम है 5-6 लोगों की मौके में घेराबंदी करके पहुँच कर उसको पकड़े, उसके कब्जे से 15 जो है अरमाविल 10 ML और 15 नग और लेजिसिक के 15 नग मिले, जिनको 328 और जो 328 और औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 5/13 के तहत कार्रवाई की गई है और जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। सर, ये इंजेक्शन कहाँ से लाता था? ये उसने प्रयास किए लेकिन उसने ऐसा नहीं बता पाया, और चूंकि वो खुद नशा करता है और वो खुद नशे जो है इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करता है, तो ये नहीं बताया उसने। बहुत प्रयास किए कि वो कहीं से पता लगे लेकिन पता नहीं है। फिर भी उसके आसपास के लोगों से जानकारी रख के और प्रयास करेंगे कि उनके जो सूत्र हैं कहाँ से ये इंजेक्शन इनको इतनी मात्रा में मिल जाते हैं। हो सकता है कोई बड़ा खुलासा? हाँ, ये आगे चल के प्रयास करेंगे, जो कुछ उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं और उनके आधार पर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।